ओम शांति। आज लॉकडाउन का 18th डे है और आज हमें क्या करना है। आज हमें जो कुछ भी करना है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि ज्ञान के सब्जेक्ट में आज हमें क्या करना है और योग के सब्जेक्ट में हमें क्या करना है। तो ज्ञान का सब्जेक्ट हम डेली कवर कर ही रहे थे, आज भी करेंगे, लेकिन योग के सब्जेक्ट पे आज हम अलग से स्पेसिफिक फोकस करेंगे। तो पहले हम योग की बात लेते हैं कि आज हमें योग में क्या करना है। तो हर दिन आप क्या करेंगे, हम योग में किसी एक बात पे फोकस करेंगे। बाबा ने कई बार हमें याद दिलाया है कि संगम युग का ये थोड़ा सा समय है जब आप सर्व प्राप्तियों का, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हो। और एक बहुत गहरी बात बाबा ने बताई है जो कि बहुत ध्यान देने की है इस समय, कि ऐसे समय पे भी अगर हमें पुरुषार्थ करने पे भी परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं होता तो ये क्यों ऐसा है। इसका आंसर बाबा ने दिया है, जैसे कई बार कहते हैं ना सजाएं मिलती हैं धर्मराज की, तो ये भी एक सजा है कि हमें परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं होता। ये पॉइंट खास तौर से इम्पॉर्टेंट समझने का है, लेकिन इस बात से घबराना नहीं है बल्कि इस बात से हमें आगे बढ़ना है। हमें परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा तो ये हमें, हमारी बुद्धि अगर भटक रही है अभी भी तो ये सजा मिल रही है। ये तो बात राइट है, अगर हमने समय पहले बहुत व्यर्थ गंवाया है, श्रीमत का पालन नहीं किया है, तो वो है, ये बात रिजल्ट है। लेकिन अभी भी हम टाइम है कि हम उसे ठीक कर लें। तो आज का हमारा फोकस रहेगा कि हम कहते हैं कि भगवान प्रेम का सागर है, प्यार का सागर है। भक्ति में भी ये बात कहते थे और ज्ञान में तो ये बात हम सब ने अनुभव की है, इसीलिए हम सब बाबा के बने और अभी तक हम बाबा के बने हुए हैं। तो आज हम अपने आप को ये संकल्प देंगे कि मेरे जीवन का परमात्मा प्रेम अनुभव करने का आज सबसे बड़ा दिन है। आज परमात्मा प्यार में या प्यार के सागर में इतनी गहराई में उतर जाना है जो आज तक हमने कभी उसकी गहराई को न छुआ हो। बाबा का प्यार कैसा है, उसकी जितनी गहराई में आज हम जा सकते हैं जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना है सारी बातों को। इसके लिए कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमें डायरी पेन लेके, जो भी हमारी डायरी है उसमें हमें उन प्राप्तियों को याद करके लिखना है जो हमें बाबा से हुई है, और हमें सिर्फ उन बातों को लिखना है जो हमें महसूसता में आती है, हमें रियलाइज़ हुई है। हमें सिर्फ पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं लिखना है, जो हमारे दिल में आता है, इसीलिए पूरे दिन में आराम आराम से लिखना है, एक बार में नहीं लिखना है। तो बाबा से हमें क्या प्राप्ति हुई है, बाबा से हमें क्या मिला है, अपने दिल की बात लिखनी है, ऊपर की बात नहीं। ऐसे नहीं कि बस जो मुरली में आता है हमने सारी बात लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। जो आपके दिल को टच किया है वो लिखना है। तो पहली बात है कि बाबा से क्या प्राप्ति हुई है वो लिखना है। दूसरी बात, आपको अव्यक्त मुरलियों से या साकार मुरली से कौन से ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनको याद करते ही आपका मन प्रभु प्रेम में झूमने लगता है, तो ऐसे वाक्यों को भी आपको लिखना है। तीसरी बात है, हमारे पास यज्ञ में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गीत बने हुए हैं। बहुत गीत ऐसे हैं जो बाबा के प्रेम में हमें डुबो देते हैं। दधी प्रकाश मणि जी भी कहती थी, ये गीत जैसे कि संजीवनी बूटी है, ये मूर्छित को सुरजीत कर देती है। तो आपके पास कुछ गीतों का संकलन पहले से होगा, आप सबके पास ऐसे गीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन आज बहुत कॉन्शियसली, बहुत ध्यान से, प्यार से, आराम से उन गीत को सुन के उसे अपने अंदर समाना है, एक एक बात को याद करना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हम भूल गए हैं, वो हमें फिर से याद दिलानी है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे कल्प में अभी थोड़े सा ही समय ऐसा होता है
जब हम परमात्मा प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। बाकी के समय तो हमें ये पता ही नहीं होता। और हमारी हम बच्चों की बाबा से ऐसी प्रीत है कि हम हर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। तो इन सारी स्मृतियों को गहरे करते जाना है आज के दिन। इतना गहराई से प्यार में डूबना है कि हमें उसका नशा चढ़ जाए और उसका नशा हमें बाकी सारे प्रभाव से मुक्त रखे पूरी तरह से। तो ये आज का हमारा योग का टारगेट हुआ। तो इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी बातें आप शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में शेयर करते रहिए ताकि अन्य भाई बहनों को भी उससे हेल्प मिलती रहे कि आपने क्या किया है। तो योग की बात आज की क्लियर हो गई। प्रेम में ही समाना है, प्रेम का ही पाठ पढ़ना है प्यार के सागर में। दूसरी बात, आज हम ज्ञान में क्या करेंगे। तो जैसे कि कल हम 1975 की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, उसमें कुछ मुरलियाँ रह गई थी क्योंकि कल काफ़ी सारी मुरलियाँ थी। अगेन हम सर्च करेंगे 1975 अव्यक्त मुरली, राइट। तो सबसे ऊपर जो प्लेलिस्ट आती है उसको ओपन करेंगे। कल हमने नीचे से मुरलियाँ कवर की थी, आज हम ऊपर से देखेंगे। तो मुरलियों से भी आज हमें क्या पॉइंट्स निकालना है। मुरलियों से आज हम ये पॉइंट निकालेंगे कि बाबा ने बच्चों को कौन कौन से स्वमान दिए हैं इन मुरलियों में। बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे इन मुरलीज की और बाबा ने बच्चों को कौन कौन से स्वमान दिए हैं नए, उन बातों को निकालेंगे। तो बाबा ने कहा, पहली मुरली है महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं, फिर है बच्चों के विभिन्न स्टेजेस, फिर है शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख, ये मुरली इम्पोर्टेंट है, फिर है अलौकिक क्षमा पर रूहानी पतंगे बन स्वाहा हो, फिर है महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो, उसके बाद है मास्टर जानी जानन हर की स्टेज से सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता, तो ये भी मुरली इम्पॉर्टेंट होगी, फिर है 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणाएं, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। तो पुरुषार्थ में ढीलापन आने के कारण ये तीन बातें होती हैं, क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन, सो हाउ टू गेट रिड ऑफ देम। देन विकारी देहरूपी सांप से सारी कमाई चट, ये मुरली भी इम्पॉर्टेंट है, इसका नंबर आप नोट कर लीजिए 301। फिर है बेहद की शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो, इंतजार को छोड़ इंतजाम करो, राइट। फिर है बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार, तो ये मुरली भी इम्पॉर्टेंट है। सर्व प्राप्तियों को सहजने का सह साधन परहेज, त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त सेवाधारी ही यथार्थ टीचर, माया को ललकारने वाला लश्कर ही अपना झंडा बुलंद कर सकेगा। और फिर है वृक्षपति द्वारा कल्प वृक्ष की दुर्दशा का आंखों देखा हल, दिस मुरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नंबर नोट कर लीजिए 292। ये आपको सबसे पहले करनी है आज, क्योंकि इस समय एक जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है कि बाबा जब पूरी दुनिया को देखते हैं, इस पूरे कल्प वृक्ष को देखते हैं, तो बाबा क्या हालत देखते हैं संसार की, तो वृक्ष की दुर्दशा क्या हुई है, वो भगवान की नज़रों से क्या है। फिर है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियाँ, फिर है प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है, फिर है टीचर बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना, फिर है आत्मघाती महापापी न बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियाँ, फिर है संगम युग में साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, फिर है कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा, फिर है अंतवाहक रूप द्वारा परिभ्रमण, ये मुरली इम्पोर्टेंट है, इसका नंबर भी नोट कर लीजिए 285।
फिर है विजयी बनने के लिए मुख्य धारणा है। तो इस तरह से आप देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट मुरली हैं। जैसे एक मुरली ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी। एक मुरली ये बहुत इम्पोर्टेंट है 272 कि शक्ति होते हुए भी जीवन में सफलता और संतुष्टता क्यों नहीं अनुभव होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न का आंसर है इसमें। तो जो भी आपकी रह गई हैं कल से बचे हुए, तो आज के पूरे दिन में कवर करना है। तो योग का टारगेट हमें समझ में आया, ज्ञान का पार्ट हमारा इसमें कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भाई बहनों ने आज होमवर्क किया है, कल जो होमवर्क किया है 75 का, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो अलग से डिस्कस करेंगे। कई भाई बहन पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, जो मुरलीज की पीडीएफ है उसके लिए, तो उसका आंसर ये है कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस चैनल पे क्लिक करके आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें पीडीएफ हम शेयर करते हैं। तो इसमें पुराने भी जो पीडीएफ हैं आपको मिल सकते हैं और नए पीडीएफ टाइम टू टाइम आते जाएंगे। तो किसी को इंडिविजुअली सेंड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इस ग्रुप से ही पीडीएफ को ले सकते हैं। तो अगेन हमें याद रखना है, हमारा ये समय, इस समय का मुख्य पर्पज है प्रभु प्रेम का अनुभव करना, उनकी कंपेनियनशिप को एक्सपीरियंस करना, उनके साथ रहना। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, योग प्रायोरिटी है। इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज के दिन के लिए बाबा को धन्यवाद देते हुए इसको हम यहीं कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।